दुनियादारी इज ब्रॉट टू यू बाय 5paisa.com. डाउनलोड द ऐप नाउ. जॉब इंटरव्यू में क्या जवाब दोस्तों ने दिए थे? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट. डाउनलोड करो 5paisa ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट. यूज करो कोड INVEST200. निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद. राष्ट्रपति नंबर एक बयान, हम इसे खत्म करना चाहते हैं. ग्वांतनामो को लेकर बहुत विवाद हो रहा है, हम इसे खाली देखना चाहते हैं. राष्ट्रपति नंबर दो बयान, मैं ग्वांतनामो को बंद कर दूंगा, मैं इस पर ताला लगाने के फैसले से पीछे नहीं हटूंगा, ये हमारे मूल्यों के खिलाफ है. राष्ट्रपति नंबर तीन और बयान, मैं ग्वांतनामो बे के डिटेंशन सेंटर को बंद कर दूंगा, ये हमारे सरकार की प्राथमिकता है. तीन राष्ट्रपति, तीन बयान, मकसद एक, क्या वो सफल हो पाए? पहले दो यानी जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा 8 बरस तक सत्ता में रहे लेकिन अपने कहे का मान नहीं रख पाए. तीसरे नंबर वाले हैं जो बाइडेन, जनवरी 2021 में राष्ट्रपति बने, हूबहू वही वादा दोहराया. जब ओबामा पूरे जोश से ग्वांतनामो पर ताला लगवाने की बात कर रहे थे तब यही बाइडेन उनके डिप्टी हुआ करते थे. उन्होंने ओबामा के वादे का हश्र देखा था, तो क्या जो बाइडेन उनसे आगे निकल पाएंगे? अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस ग्वांतनामो बे की कहानी क्या है, पूरा विवाद क्या है और अमरीकी राष्ट्रपति इसे बंद करने का वादा क्यों करते हैं और फिर फेल क्यों हो जाते हैं. आज हम आपको इसकी कहानी क्यों सुना रहे हैं इस पर भी बात करेंगे. नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं ललन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का डेली बुलेटिन दुनियादारी. 1890 की बात है, यानी कि 19वीं सदी के अंतिम दशक की. उस वक्त क्यूबा पर स्पेन का कब्जा था. जैसे ही स्पेन कमजोर पड़ा लोगों ने विदेशी शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. ये टंग ट्विस्टर होता है भाई, विदेशी शासन. क्यूबा से अमरीकी जनता के भी हित जुड़े थे, उन्होंने सुरक्षा के लिए सरकार से गुजारिश की. तब अमरीका ने अपने समुद्री युद्धपोत USS मेन को हवाना की तरफ रवाना किया. हवाना की तरफ रवाना, कविता चल रही है आज पूरे दुनियादारी में. इस जहाज में युद्ध का सारा साजो सामान रखा था लेकिन सैनिकों को सीधे युद्ध में कूदने की मनाही थी. ये जहाज क्यूबा की आज़ादी की लड़ाई का मूक दर्शक था. फिर आई 15 फरवरी 1898 की तारीख. इस दिन USS मेन में एक जोरदार धमाका हुआ. हवाना हार्बर के पास जहाज समंदर में डूब गया. इसके चलते 260 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई. इस धमाके की असली वजह पता नहीं चली लेकिन अमरीकी अखबारों ने दावा किया कि हमले के पीछे स्पेन का हाथ है. इस दावे के एवज में कोई सबूत नहीं दिया गया. ये येलो जर्नलिज्म का शुरुआती दौर था. येलो जर्नलिज्म मतलब बिक्री बढ़ाने के लिए लोगों को उकसाने या लुभाने वाली खबरें छापना, भले ही खबरें असत्य हो. मुझे झूठ दो, यही हुआ भी. अमरीका में स्पेन के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे. मांग की गई कि अमरीका सीधी लड़ाई में शामिल हो. ये दबाव काम कर गया. अप्रैल 1898 में अमरीका क्यूबाई विद्रोहियों के साथ खड़ा हो गया. स्पेन के खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई. दिसंबर आते आते स्पेन पस्त और उसने क्यूबा को अमरीका के हवाले कर दिया. 3 बरस बाद क्यूबा को आज़ादी भी मिल गई. अमरीका ने क्यूबा की संप्रभुता मान ली. 1903 में दोनों देशों के बीच एक संधि हुई. क्यूबा अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था, उसे सुरक्षा के क्षेत्र में मदद की दरकार थी और इसी के चलते उसने अमरीका को अपनी ज़मीन पर एक नौसैनिक अड्डा बनाने की इजाज़त दे दी. ये ज़मीन क्यूबा के दक्षिण पूर्व में स्थित थी और इसका नाम था ग्वांतनामो बे. ग्वांतनामो का मतलब होता है नदियों के बीच की धरती. क्यूबा ने 19,621 एकड़ की ये ज़मीन लीज पर दी थी. उस वक्त अमरीका किराए के तौर पर लगभग 1.5 लाख रुपये की रकम देता था इस लीज के बदले और अभी भी लगभग 3 लाख रुपये सालाना देता है लेकिन क्यूबा अब इसे स्वीकार नहीं करता. इसकी वजह क्या है? 1960 में क्यूबा में क्रांति हुई. बतिस्ता सरकार को हटाकर फिदेल कास्त्रो सत्ता में आए. कास्त्रो कम्युनिस्ट थे, अमेरिका से नहीं पटती थी. उन्होंने अमेरिका को ग्वांतनामो से निकालने की धमकी दी. अमेरिका ने साफ मना कर दिया. गुस्से में कास्त्रो ने नेवल बेस पर पानी की सप्लाई बंद करवा दी. तब अमेरिका ने वहां अपना पानी और बिजली का प्लांट शुरू किया. लीज बरकरार रही. फिदेल कास्त्रो ग्वांतनामो बे को क्यूबा के सीने में धसा खंजर कहने लगे लेकिन कास्त्रो इसके बाद भी निकालने की कोशिश करते रहे पर ग्वांतनामो बे का नौसैनिक अड्डा बरकरार रहा. समय के साथ साथ ये खबरों से ओझल भी हो गया.
अमेरिका इस बेस का इस्तेमाल नौसैनिक अभ्यासों और नए रंग रूटों को ट्रेनिंग देने के लिए करने लगा। इस रूटीन में खलल तब पड़ा जब 11 सितंबर 2001 की तारीख आई। इस दिन अमेरिका पर हमला हुआ। आतंकी संगठन अलकायदा ने यात्री विमानों को हाईजैक कर तबाही मचाई। इस हमले में लगभग 3,000 लोग मारे गए। ये दुनिया भर के इतिहास में हुआ सबसे खतरनाक आतंकवादी हमला था। इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। अमेरिका जैसी महाशक्ति के लिए ये बड़ा झटका था। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। उन्होंने ऐलान किया कि हमले के दोषियों को उनके घर में घुसकर मारा जाएगा। इस ऐलान के साथ शुरू हुआ वॉर ऑन टेरर। अमेरिका के नेतृत्व में विदेशी सेनाओं ने अफगानिस्तान में मोर्चा खोला। वॉर ऑन टेरर के दौरान संदिग्धों की गिरफ्तारी भी हो रही थी, सिर्फ अफगानिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। 9/11 हमले से जुड़े हर व्यक्ति को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी थी ताकि आगे किसी हमले की आशंका को खत्म किया जा सके और आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। इस गिरफ्तारी में लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। शुरुआत में उन्हें अफगानिस्तान में बेस पर रखा गया, लेकिन ये ठिकाना अस्थायी था, पूछताछ के लायक पर्याप्त सुविधाएं नहीं। ऐसे में नई जगह की तलाश शुरू हुई। जांचकर्ता ऐसी जगह तलाश रहे थे जो न सिर्फ सुरक्षित और आम लोगों की पहुंच बल्कि कानूनी बाधाओं से भी परे हो। और कई विकल्पों पर विचार के बाद इस काम के लिए ग्वांतनामो बे के नाम पर मुहर लगा दी गई। ये जगह अमरीकी धरती पर नहीं थी, इसलिए यहाँ अमरीका के कानून लागू नहीं होते, मतलब कैदियों को भी किसी तरह के लीगल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार नहीं। वो अमरीकी सरकार की मर्जी के गुलाम थे। ग्वांतनामो बे में डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर भी था और सिक्योरिटी के मामले में तो इसकी कोई सानी नहीं थी। ये जगह कुछ कुछ आउटर स्पेस जैसी थी, दुनियावी नियमों से अलग थलग। जनवरी 2002 से ग्वांतनामो बे का डिटेंशन कैंप शुरू हो गया। यहाँ सबसे खतरनाक और संदिग्ध आतंकवादियों को कैद में रखा गया। इन्वेस्टिगेटर पूछताछ के लिए अंतहीन टॉर्चर का सहारा लेते। कई बार ये अमानवीय भी हो जाता। जब अंदर की खबर प्रेस में छपी तो हंगामा मच गया। मानवाधिकार संगठनों ने अमरीकी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन अमरीका ने टॉर्चर को जायज ठहराया। कहा कि कई मामलों में इस टॉर्चर के जरिए फायदा भी हुआ। मसलन टॉर्चर की ही वजह से खालिद शेख मोहम्मद ने अलकायदा के आगे के प्लान के बारे में बताया। खालिद शेख मोहम्मद 9/11 के हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। हालांकि ग्वांतनामो बे में कई ऐसे भी कैदी बंद थे जिन पर कोई चार्ज नहीं था, बस शक के आधार पर उठाया गया। ऐसे लोगों को भी कानूनी सहायता नहीं मिल रही थी और अमानवीय यातना भी झेलनी पड़ रही थी। ये अमानवीय शब्द के इस्तेमाल की वजह क्या है? मीडिया रपटों के मुताबिक जांचकर्ताओं ने कैदियों को टॉर्चर करने के अजीबोगरीब तरीके ईजाद किए थे। मसलन यौन अंगों को सिगरेट से जलाना, नंगा करके पानी भरे फर्श पर छोड़ देना, एक पैर में रस्सी बांधकर छत से लटका देना आदि आदि। और कहते हैं कि किसी भी सभ्य समाज में इस किस्म की बर्बरता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इन्हीं सब कारणों से ग्वांतनामो बे का शुमार दुनिया की सबसे बदनाम जेलों में होने लगा। आलोचनाएं बढ़ीं तो बुश ने इस जेल को बंद करने पर विचार शुरू किया, लेकिन उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी और चीफ ऑफ स्टाफ डेविड एस एडिंगटन ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि इस फैसले से ऐसा लगेगा कि अमरीका आतंकवादियों के साथ समझौता कर रहा है, ये आपकी छवि को कमजोर बना देगा। तब बुश का कार्यकाल अंतिम दौर में पहुंच चुका था, उन्होंने अपने विचार को डिलीट कर दिया। हालांकि तब तक ग्वांतनामो बे में कैदियों की संख्या 500 के करीब आ चुकी थी और जब पीक पर थी ये संख्या तब इस जेल में 779 कैदी थे। बुश के बाद बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने अपनी इलेक्शन रैलियों में ऐलान किया था कि हम ग्वांतनामो बे की जेल बंद कर देंगे। राष्ट्रपति बनने के 2 दिन बाद ही उन्होंने इस पर दस्तखत भी किए, 1 साल की डेडलाइन के साथ। ओबामा ने कहा कि अगर संसद उनके प्रस्ताव पर राजी नहीं हुई तो मैं वीटो पावर का इस्तेमाल करूंगा। पर हुआ क्या, ना तो डेडलाइन का पालन हुआ और ना ही वीटो पावर का इस्तेमाल। संसद में उनके प्रस्ताव का जबरदस्त विरोध हुआ। बराक ओबामा कुर्सी से जाते जाते एक चिट्ठी छोड़ गए 8 बरस बाद। उन्होंने अपना वादा पूरा न कर पाने के लिए गंदी राजनीति को जिम्मेदार बताया और लिखा कि इतिहास उनका कठोर मूल्यांकन करेगा। हालांकि ओबामा ने ग्वांतनामो बे में बंद कैदियों की संख्या को 41 तक घटा दिया था, बाकियों को दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया या जेल से रिहा कर दिया गया। उनके जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई। ट्रंप ने ओबामा के फैसले को पलट दिया और कहा कि ग्वांतनामो बे कभी बंद नहीं होगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इस जेल में और भी संदिग्ध अपराधियों को रखा जाएगा, मतलब ग्वांतनामो बे डिटेंशन कैंप को रिवाइव किया जाएगा। कहा ही, ट्रंप के कार्यकाल में ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो संख्या कितनी रही? एक कैदी को सऊदी अरब प्रत्यर्पित कर दिया गया। ओबामा के समय 41 थे, ट्रंप के समय बचे 40। अब आप पूछेंगे ये 40-41 तो ठीक है,
आज ग्वांतनामो बे की कहानी क्यों सुनाई जा रही है? दरअसल इस जेल में बंद तीन और कैदियों को रिहा करने का नोटिस आया है। इसमें से एक नाम पाकिस्तान के सैफुल्ला प्राचा का है। सैफुल्ला ग्वांतनामो में बंद सबसे उम्रदराज कैदी है। इसकी उम्र 73 साल है। गिरफ्तारी से पहले तक पाकिस्तान में अच्छा खासा बिजनेस था और खुद न्यूयॉर्क में रहता था। 2003 में थाईलैंड में गिरफ्तार किया गया। अलकायदा को मदद पहुंचाने का संदेह था। सैफुल्ला आरोपों से इनकार करता रहा। उसके ऊपर कभी कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं लगा। वकील ने बताया कि रिव्यू बोर्ड ने माना कि सैफुल्ला अब अमरीका के लिए खतरा नहीं है, इसलिए उसे जेल से छोड़ा जा सकता है। बिना किसी केस के 16 साल तक सबसे बदनाम जेल में बंद रहे सैफुल्ला प्राचा के लिए अब अपने वतन लौटने का रास्ता खुल गया है। हालांकि ये उतना भी आसान नहीं। अभी अमेरिका और पाकिस्तान के बीच समझौता होगा। पाकिस्तान अगर इसके लिए तैयार होता है तो प्राचा अपने घर लौट पाएंगे। इसमें कितना वक्त लगेगा कह नहीं सकते। इस खबर से एक बात और साफ है कि जो बाइडेन अपने वादे को लेकर सजग हैं। वो ग्वांतनामो बे की जेल को पूरी तरह खाली करना चाहते हैं। उन्हें इसकी शुरुआत भी कर दी उन्होंने, लेकिन अभी बाधाएं और भी हैं। क्या? ग्वांतनामो बे में कई कैदी यमन के हैं। एक की रिहाई का ऐलान 10 साल पहले हो गया, लेकिन यमन में सिविल वॉर की वजह से वहां की सरकार से समझौता नहीं हुआ, इसलिए वो अभी भी जेल में है। इसके अलावा बाइडेन को संसद में रिपब्लिकन पार्टी का सामना भी करना पड़ेगा। जनता का एक बड़ा धड़ा संदिग्ध आतंकवादियों को अमानवीय टॉर्चर देने के पक्ष में है। बाइडेन को उनसे भी निपटना होगा। ये देखने वाली बात होगी कि क्या जो बाइडेन ग्वांतनामो बे डिटेंशन कैंप को लेकर किए गए अपने वादे पर खरा उतर पाते हैं या नहीं। यह था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी इसराइल से। इसराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई का आज 10वां दिन है। दोनों तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं। 18 मई को इसराइल ने हमास के मुखिया मोहम्मद डेफ के ठिकानों पर कई हमले किए। इन हमलों में डेफ को कोई नुकसान हुआ या नहीं पुष्टि नहीं हो सकी। इसराइल के हवाई हमलों की वजह से गाजा में 52,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। उन्होंने UN के राहत शिविरों में शरण ली है। उनकी जिंदगी पूरी तरह से अब बाहरी मदद पर निर्भर है। 18 मई को इसराइल ने गाजा का बॉर्डर भी बंद कर दिया। इसके चलते मदद लाने वाले ट्रक भी फंसे हुए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने युद्ध विराम की अपील की, लेकिन सुरक्षा परिषद में साझा बयान जारी करने के प्रस्ताव पर हामी नहीं भरी। हमास उधर कह रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल बयान जारी करने के अलावा भी कुछ काम करे। अभी तक की हिंसा में गाजा में 219 लोग मारे गए और हमास के हमलों में 12 इजरायली नागरिकों की मौत हुई। दूसरी सुर्खी म्यांमार से है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने हैरान करने वाला एक खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तख्ता पलट से कुछ महीने पहले सेना ने लगभग 30 करोड़ रुपए के मेलवेयर खरीदे। मेलवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी जानकारी के बिना आपके फोन या कंप्यूटर में दाखिल होकर संवेदनशील जानकारियां चुराता है। सेना इसके जरिए लोगों की फोन कॉल, मैसेज, ईमेल और लोकेशन पर नजर रख रही थी। इस खरीदारी के लिए पैसा 2019 और 2020 के बजट में जारी हुआ था और तब म्यांमार में आंग सान सू ची का शासन था। कहा जा रहा है कि उनकी सरकार में काम कर रहे सैन्य अफसरों ने बहुत पहले ही तख्ता पलट की तैयारी शुरू कर दी थी। हम जानते हैं कि सेना ने 1 फरवरी 2021 को सत्ता पर कब्जा कर लिया था और आंग सान समेत कई नेताओं को जेल में बंद कर दिया था। तख्ता पलट के बाद से सेना लगातार विरोधियों को निशाना बना रही है और हैकिंग वाली तकनीक सेना के दमन का एक बड़ा हथियार बनी है। आज की तीसरी सुर्खी ऑस्ट्रेलिया से। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है एडिलेड। यहां 1 दिसंबर 1948 को समंदर के किनारे एक आदमी की लाश मिली थी। उसके कपड़ों पर कोई लेबल नहीं। लाश के पास सूटकेस, एक पन्ना और कुछ कपड़े। वो आदमी कौन था, उसकी मौत कैसे हुई, ये कभी पता नहीं चल सका। कोई उस लाश का क्लेम करने भी नहीं आया। ये मामला ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए पहेली बन गया। 73 बरस बीतने को हैं और अब एडिलेड पुलिस फिर से इस गुमनाम कब्र की खुदाई कर रही है। पुलिस का कहना है कि अभी के समय में DNA तकनीक विकसित हो चुकी है और इससे उस गुमनाम लाश को पहचान मिल सकती है। ये केस दक्षिण ऑस्ट्रेलिया सरकार के ऑपरेशन प्रिजर्व का हिस्सा है। इसके तहत सरकार सभी गुमनाम कब्रों को पहचान दिलाने के प्रयास में जुटी है। एक ऑस्ट्रेलिया है 73 साल पुरानी लाश की पहचान कर रहा है। एक हमारा देश है जहां पर लाशों के साथ क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कल फिर मिलेंगे ऐसी उम्मीद है। शुभ रात्रि।